देखो स्टैंडर्ड 11th फिजिक्स में मेनली हम लोग को जो पढ़ना है उसका नाम है मैकेनिक्स। तो बेसिकली मैकेनिक्स में हम लोग मोशन के बारे में पढ़ते हैं। बहुत तरह का मोशन होता है, जैसे ट्रांसलेशन होता है, रोटेशन होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, ठीक है। तो ये सब सब हम लोग पढ़ते हैं मैकेनिक्स में। इसके बाद वेव्स भी मैकेनिक्स का पार्ट है। तो अगर बोला जाए तो स्टैंडर्ड 11th में दो तरह का पार्ट हम लोग को पढ़ना है, पहला मैकेनिक्स और दूसरा थर्मोडायनेमिक्स। पूरा इसी पे बेस्ड है। अब मैकेनिक्स सबसे खतरनाक चीज़ है और सबसे इंटरेस्टिंग भी, ठीक है। मैकेनिक्स सबसे खतरनाक है और इंटरेस्टिंग भी है। ध्यान से सुनना है, ध्यान से समझना है, ठीक है। मैकेनिक्स में हम लोगों को सबसे पहले पढ़ना है काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स, काइनेमैटिक्स में हम लोग पढ़ते हैं मोशन के बारे में विदाउट कंसिडरिंग इट्स कॉज। काइनेमैटिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन विदाउट कंसिडरिंग इट्स कॉज। मतलब हम लोग सिर्फ मोशन के बारे में पढ़ते हैं, मोशन कैसे प्रोड्यूस हो रहा है इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। मतलब कि क्या फोर्स लग रहा है, क्या टॉर्क लग रहा है, इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन मोशन। और मोशन का मतलब ये हुआ कि वी आर इंटरेस्टेड इन डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सलेशन एक्सेट्रा, ठीक है। बेसिकली डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सलेशन, स्पीड, यही सब पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। और इसके बीच में रिलेशन पढ़ना है। तो ये सब हम लोग पढ़ते हैं काइनेमैटिक्स में, ठीक है। तो काइनेमैटिक्स में हम लोग मोशन के बारे में पढ़ते हैं विदाउट कंसिडरिंग इट्स कॉज। तो अगर तुमसे पूछ दे कि वॉट इज काइनेमैटिक्स, तो तुम्हारा आंसर होगा इट इज़ द स्टडी ऑफ मोशन विदाउट कंसिडरिंग इट्स कॉज। तो काइनेमैटिक्स में जो सबसे पहले पढ़ना है वो है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का आइडिया तुम्हें क्लास 10th से है या उसके पहले से है। अगर मान लो एक जगह से दूसरी जगह तक गए, तो जो एक्चुअल पाथ लेंथ है उसको हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस, और जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है विथ डायरेक्शन उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो डिस्टेंस होता है एक्चुअल पाथ लेंथ, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विथ डायरेक्शन, ठीक है। जैसे मान लो कि एक पार्टिकल है और वो पार्टिकल पॉइंट ए से पॉइंट बी तक चला गया, पार्टिकल पॉइंट ए से बी तक चला गया, ठीक है। और मान लो कि इसका जो पाथ लेंथ है वो है 10 मीटर, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि डिस्टेंस इज 10 मीटर। लेकिन अगर ए और बी के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कंसिडर करें विथ डायरेक्शन, तो उसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है 5 मीटर, डायरेक्शन ऑब्वियसली फ्रॉम ए टू बी होगा, ठीक है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में ज़्यादा कुछ तो बताने की जरूरत है नहीं, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। लेकिन फिर भी एक बार, डिस्टेंस क्या होता है? तो डिस्टेंस होता है एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाई ए पार्टिकल, ठीक है, कि इट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाई ए पार्टिकल। और इसको डिनोट करते हैं आइदर एस से या फिर आर से, ठीक है। कभी कभी डी से भी डिनोट किया जाता है ना। और ऑब्वियसली डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। इसका एस आई यूनिट क्या होता है, मीटर होता है, और डायमेंशन क्या होता है, एल होता है, ठीक है। फिर डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स विथ डायरेक्शन, ठीक है। मतलब डिस्प्लेसमेंट में दो चीज़ है, एक तो मैग्नीट्यूड है, दूसरा डायरेक्शन है। ऑब्वियसली दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। और इसको जनरली एस वेक्टर या आर वेक्टर से डिनोट करते हैं, ठीक है। कभी कभी डेल्टा आर वेक्टर से भी डिनोट किया जाता है। तो हम जितना लिख के रखे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इसी से डिनोट किया जाता है, इसको छोड़ करके भी कोई दूसरा नोटेशन यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़, ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट का एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर होता है, और इसका जो डायमेंशन होता है वो क्या होता है, एल होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टर्म है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर हम लोग वेक्टर में ही पढ़े हैं। पोजीशन वेक्टर एक वेक्टर होता है जिसका टेल ओरिजिन पे होता है, और ये वेक्टर देता है पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल, ठीक है। तो एक ऐसा वेक्टर जिसका टेल ओरिजिन पे हो और जो किसी पार्टिकल के पोजीशन को रिप्रेजेंट करता हो, इस तरह के वेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर बोलते हैं,
ठीक है, थोड़ा सा एक आइडिया भी दे देते हैं। जैसे मान लो कि एक पार्टिकल है जो कि किसी रैंडम पाथ पे मूव कर रहा है, जैसे इस तरह से एक पार्टिकल है किसी रैंडम पाथ पे मूव कर रहा है, ठीक है, और मान लो कहीं पे ओरिजिन है, ठीक है, और किसी इंस्टेंट पे पार्टिकल पॉइंट ए पे पहुंच गया, ठीक है। तो अगर हम ओ से ए तक एक वेक्टर ड्रॉ कर दें, सच दैट कि वेक्टर का टेल ओ पे हो और हेड ए पे हो, ठीक है, इस वेक्टर को बोलते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल, और कभी कभी ऐसा ही बोलते हैं कि पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ये भी बोल सकते हैं। तो ये जो वेक्टर है ओ ए वेक्टर है, इसको हम चाहे तो आर वेक्टर से डिनोट कर सकते हैं। मान लो कि पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट्स है एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, तो वेक्टर के नॉलेज से हमें पता है कि पोजीशन वेक्टर आर को हम लोग लिख सकते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है। और इस आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा जी निखिल? आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा निखिल? रूट अंडर हाँ बोलिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। राइट, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होगा, ठीक है। तो इसमें कुछ नया चीज नहीं बताएं, ये तो हम लोग वेक्टर में पढ़ के रखे हैं, है ना। अब इसके बाद नेक्स्ट, मान लो कि एक पार्टिकल है जो कि पॉइंट ए से बी तक गया, एक पार्टिकल है जो कि पॉइंट ए से बी तक चला गया, और ओ इज द ओरिजिन, ठीक है। तो पार्टिकल का इनिशियल पोजीशन वेक्टर होगा ओ ए वेक्टर, ठीक है, इनिशियल पोजीशन वेक्टर होगा ओ ए वेक्टर, और फाइनल पोजीशन वेक्टर होगा ओ बी वेक्टर, ठीक है। ओ ए वेक्टर का नाम दे दो आर वन वेक्टर, और ओ बी वेक्टर का नाम दे दो आर टू वेक्टर। तो आर वन वेक्टर इज इनिशियल पोजीशन वेक्टर, आर टू वेक्टर इज फाइनल पोजीशन वेक्टर। और मान लो कि पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट से एक्स वन कॉमा वाई वन कॉमा जेड वन, और पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट से एक्स टू कॉमा वाई टू कॉमा जेड टू, ठीक है। तो पार्टिकल एक रैंडम पाथ पे जा रहा है फ्रॉम ए से बी तक, और उसका इनिशियल पोजिशन वेक्टर है आर वन और फाइनल पोजिशन वेक्टर है आर टू, ठीक है। ऑब्वियसली इसका डिस्प्लेसमेंट ए से बी तक हुआ होगा, और इसके डिस्प्लेसमेंट को हम ए बी वेक्टर से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो ए बी वेक्टर इज डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट को चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा आर वेक्टर, डेल्टा आर वेक्टर, ठीक है। तो डेल्टा आर वेक्टर इज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। आर वन वेक्टर है इनिशियल पोजिशन वेक्टर, आर टू वेक्टर है फाइनल पोजिशन वेक्टर, ठीक है। तो आर वन वेक्टर इज इनिशियल पी वी, पी वी मीन्स पोजिशन वेक्टर, ठीक है। और आर टू क्या है? तो वो है फाइनल पोजिशन वेक्टर, ठीक है। और डेल्टा आर है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो अगर हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए इन टर्म्स ऑफ आर वन एंड आर टू, ठीक है, अर्पिता तुम बताओ डेल्टा आर आर वन और आर टू के टर्म में क्या होगा? वेक्टर में पढ़ी हो, ठीक है। तो डेल्टा आर वेक्टर आर वन और आर टू के टर्म में क्या होगा? तो आर टू वेक्टर माइनस आर वन वेक्टर होगा, ठीक है। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा फाइनल पोजिशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजिशन वेक्टर, ठीक है। हम ऐसा ही बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू फाइनल पोजिशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजिशन वेक्टर, ठीक है। अब अगर हम डिस्प्लेसमेंट को एक्स वन वाई वन जेड वन और एक्स टू वाई टू जेड टू के टर्म में लिखना चाहें, आराम से लिख सकते हैं। अगर आर टू वेक्टर माइनस आर वन वेक्टर है डिस्प्लेसमेंट, तो एक्स वन एक्स टू वाई वन वाई टू जेड वन जेड टू के टर्म में होगा डेल्टा आर वेक्टर इक्वल टू एक्स टू माइनस एक्स वन आई कैप प्लस वाई टू माइनस वाई वन जे कैप प्लस जेड टू माइनस जेड वन के कैप, ठीक है। और ये भी हम वेक्टर में पढ़े हैं, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को एक्स वन एक्स टू वाई वन वाई टू जेड वन जेड टू के टर्म में लिख सकते हैं एक्स टू माइनस एक्स वन
आई कैप प्लस वाई टू माइनस वाई वन जे कैप प्लस जेड टू माइनस जेड वन के कैप। तो इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इस पे न्यूमेरिकल तुम लोग ऑलरेडी बना चुके हो वेक्टर में, और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट जो भी क्वेश्चन है वो क्लास 9-10 में खूब बनाए हो। एक पार्टिकल है जो कि सेमी सर्कुलर पाथ पे चला है, ठीक है। ये क्या है? सेमी सर्कल है, और पार्टिकल ए से बी तक जा रहा है, ए से बी तक जा रहा है। तो तुम्हें बताना है इसका डिस्टेंस क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, बताओ खुद से। हम बता नहीं रहे, तुम बताओ। 14 सेंटीमीटर। मीटर में, मीटर में, मीटर में दिया हुआ है, सेंटीमीटर हमने लिखे हैं, ठीक है, मीटर लिखे हैं। क्या सेंटीमीटर दिख रहा है मेरा हैंडराइटिंग? ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट पहले डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना होगा? 22 मीटर। मतलब कि पाई आर यूज कर रहे हो या 2πr यूज कर रहे हो तुम लोग? ऑब्वियसली पाई आर यूज किया, ठीक है। तो पाई का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू अगर 22/7 ले लें तब डिस्टेंस कितना होगा? 22 मीटर होगा। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 14 मीटर। ठीक है, तो डिस्टेंस पाई आर के बराबर होगा जिसका वैल्यू होगा 22 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट तुम लोग बोल रहे 14 मीटर होगा, सही है। डिस्प्लेसमेंट में दो पार्ट होता है, एक होता है मैग्नीट्यूड और एक होता है डायरेक्शन, ठीक है। तो सिर्फ 14 मीटर दिखे तो इसका मतलब ये हुआ कि हम सिर्फ मैग्नीट्यूड बता रहे हैं, डायरेक्शन भी तो बताना पड़ेगा। तो फ्रॉम ए टू बी डिस्प्लेसमेंट कितना है? 14 मीटर है, कहाँ से कहाँ तक? ए से बी तक है, ये लिखना पड़ेगा। सपोज अगर ऐसा हो जाए कि इसी क्वेश्चन में इधर एक्स एक्सिस ले लें, ठीक है, राइट साइड में एक्स एक्सिस ले लें, और तुमसे बोले कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ठीक है, 14 आई कैप। तो आंसर क्या होगा? 14 मीटर आई कैप। तो उस केस में आंसर हो जाएगा 14 मीटर आई कैप, क्योंकि एक्स एक्सिस की तरफ डायरेक्शन कौन देता है? आई कैप देता है, ठीक है। ठीक है, तो ये था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब हम बात करेंगे स्पीड का। तो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट स्पीड, ठीक है, ठीक है। तो अर्पिता तुम ही बताओ स्पीड क्या होता है, स्पीड कैसे डिफाइन कर सकते हो? डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। तो अर्पिता बोल रही है स्पीड इज डिस्टेंस बाय टाइम। चलो ठीक है, हम एक एग्जांपल देते हैं, एक एग्जांपल देते हैं, समझना इसको, और सब लोग ध्यान से समझना, जो लोग पहले पढ़ चुके वो लोग भी ध्यान देना। फिजिक्स इज अबाउट कॉन्सेप्ट, फिजिक्स इज नॉट अबाउट फॉर्मूला, फिजिक्स इज अबाउट कॉन्सेप्ट, ठीक है। मान लो कि एक पार्टिकल पॉइंट ए से बी तक जा रहा है, और उस पार्टिकल का नाम है निखिल, ठीक है, और निखिल के एक फ्रेंड है आदित्य, ठीक है। तो निखिल पार्टिकल नहीं है, लेकिन जबरदस्ती हम मान लिए कि निखिल इज ए पार्टिकल, और निखिल का एक दूसरा फ्रेंड पार्टिकल है कौन? आदित्य, ठीक है। उन दोनों को घूमने का मन कर गया, उन दोनों को क्या मन कर गया? घूमने का, ठीक है। तो अगर घूमने का मन कर गया तो बाइक उठा लिए, बाइक कौन सा उठाए हैं? हार्ले डेविडसन, ठीक है। एक पोजीशन ए है और दूसरा पोजीशन बी है, ठीक है। पोजीशन ए से आदित्य बाइक चलाना शुरू किए, ठीक है। उसके बाद बाइक चलाते चलाते यहाँ पे पहुँचे, किसी पॉइंट सी पे, ठीक है, सी पे पहुँचे, ठीक है। और सी पे जब पहुँचे तो यहाँ पे एक दुकान उनको दिखा, ठीक है, और दुकान में देखे कि ताड़ी बिक रहा है। क्या बिक रहा है? ताड़ी। ताड़ी समझते हो सब लोग? तुम लोग झारखंड वाले लोग हो भाई, ताड़ी मतलब कि जो ताड़ में मिलते हैं, ठीक है, वो एक तरह का बोल सकते हो कि जूस ही होता है, ठीक है, लेकिन उसको ज़्यादा क्वांटिटी में ले लिया जाए तो दारू जैसा बन जाता है, ठीक है। तो पॉइंट सी पे, मतलब जब सी पे पहुँचे तो यहाँ पे एक दुकान दिखा, इस दुकान में क्या मिल रहा है? ताड़ी मिल रहा है, ठीक है।
और यहाँ पे आदित्य बाइक रोक दिए और बाइक रोक करके पीना शुरू की। ठीक है, पहले जूस जैसा पीना शुरू किए कि मतलब चलो थोड़ा एनर्जी आ जाएगा। ठीक है, अब क्या हुआ कि वो 10 गिलास पी गए। ठीक है, और उनके साथ साथ निखिल भी पी गए, निखिल 20 गिलास पी गए, और पीने के बाद में वही लुढ़क गए। ठीक है, और एक और चीज़, पॉइंट ए पे जब स्टार्ट किए हैं वो टाइम है 8:00:00। ठीक है, पॉइंट ए पे जब बाइक स्टार्ट किए थे तो उस समय टाइम क्या है, 8:00:00। ठीक है, और ए से सी तक का डिस्टेंस है 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर। ठीक है, और सी पे पहुंचे हैं 10:00:00 पे। ठीक है, ए एम। ठीक है, और सी पे पीना शुरू किए, पीते 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 टुल हो गए, और टुल होने के बाद में वहीं पे लुढ़क गए। ठीक है, लुढ़कने के बाद में 10:00:00 पे रात में, ठीक है, आदित्य की नींद खुली और आदित्य दो झापड़ लगाया निखिल को, अब बोले उठ चल। ठीक है, अब इसके बाद ड्राइवर बन गया निखिल, आदित्य पीछे। ठीक है, और इसके बाद क्या हुआ कि सी से बी तक में निखिल ज़्यादा स्पीड से नहीं, 100 किलोमीटर पर आवर से बाइक चला रहे हैं। कितना से, 100 किलोमीटर पर आवर से बाइक चला रहे हैं, और पॉइंट बी पे पहुंच गए 11:00:00। ठीक है, और सी से बी तक का डिस्टेंस है 100 किलोमीटर। ठीक है, सी से बी तक का डिस्टेंस कितना है, 100 किलोमीटर। अब एक ही ध्यान दो, अगर पूरा ए से बी तक जर्नी के बारे में बात करें, ए से बी तक के जर्नी के बारे में बात करें, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ है, 105, 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर। ठीक है, और टोटल टाइम कितना लिए हैं, 8 AM to 11 PM है, और एक ही दिन में, एक ही दिन में 8 AM to 11 PM कितना आवर्स हुआ, 15 आवर्स। 15 आवर्स। ठीक है, तो अगर तुमसे पूछा जाए कि स्पीड कितना होगा तो तुम्हारे अकॉर्डिंग आंसर क्या होगा, डिस्टेंस बाय टाइम करेंगे तो 150 किलोमीटर अपॉन 15 आवर। ठीक है, तो क्या आंसर मिला, 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 10 किलोमीटर पर आवर। अब तुम ये बताओ क्या ये 10 किलोमीटर पर आवर सही पिक्चर है, सही पिक्चर नहीं है। अगर हम 10 किलोमीटर पर आवर बोल दें तो इसका मतलब ये हुआ कि ए से बी तक थ्रू आउट इनका स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर ही रहा है, ऐसा तो नहीं हुआ है, पूरा 12 घंटा तो जीरो स्पीड रहा है, 10 AM to 10 PM जीरो स्पीड रहा है। ठीक है, तो अगर हम डिस्टेंस बाई टाइम पे स्पीड बोल रहे हैं तो ये गलत है, दिस इज एवरेज स्पीड, ये क्या है, एवरेज स्पीड है। ठीक है, तो डिस्टेंस बाई टाइम इज नॉट स्पीड, दिस इज वॉट, एवरेज स्पीड, एवरेज हम कर दिए यहाँ पे। ठीक है, मतलब अगर ऐसा होता कि ए से बी तक थ्रू आउट 10 किलोमीटर पर आवर से बाइक चलाते हैं तो हम लोग 15 आवर्स में ए से बी तक पहुंच जाते हैं। हम क्या बोल रहे हैं, ए से बी तक थ्रू आउट एक कांस्टेंट स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर से बाइक चलाते हैं तब 15 आवर्स में ए से बी तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में तो 10 किलोमीटर पर आवर एवरी टाइम तो नहीं हो रहा ना, कहीं स्पीड बहुत ज्यादा हुआ है, कहीं स्पीड बहुत कम भी है, कहीं पे स्पीड एकदम जीरो है। ठीक है, तो स्पीड इज नॉट डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस बाई टाइम का मतलब ये हुआ कि वो एवरेज स्पीड है। ठीक है, तो अब हम लोग आज के बाद कभी भी स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम नहीं बोलेंगे, आज के बाद हम बोलेंगे एवरेज स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अच्छा एवरेज के लिए हम लोग इस सिंबल का यूज करते हैं,
लेस देन ग्रेटर देन, ये जो सिंबल है एवरेज के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। और अगर एवरेज स्पीड है तो यहाँ पे हम इस सिंबल के अंदर वी लिख दिए, वी फॉर स्पीड, और ये वाला सिंबल क्या बता रहे हैं, एवरेज स्पीड, ठीक है। और एवरेज स्पीड है, सर हाँ क्या बोले, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम लेंगे ना। तो अगर हम डिस्टेंस बोले या टाइम बोले हैं तो इसका मतलब वही हुआ, टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम ही हुआ, ठीक है। अगर हम अलग से कुछ नहीं बोले हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि टोटल डिस्टेंस है और टोटल टाइम ही है, ठीक है। आप सही बोल रहे हैं, आपको हम गलत नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। तो एवरेज स्पीड इज डिस्टेंस बाई टाइम विच इज सेम एज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे डिस्टेंस जो है इसको हम चाहें तो सिम्बोलिकली लिख सकते हैं डेल्टा एस, और टाइम को सिम्बोलिकली लिख सकते हैं डेल्टा टी, ठीक है। तो मेन फॉर्मूला तो ऊपर में ही है, एवरेज स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, और दूसरा उसी चीज़ को हम सिम्बोलिकली लिखे हैं, ठीक है। एवरेज स्पीड में स्पीड को जबरदस्ती कांस्टेंट मान लेते हैं, स्पीड कांस्टेंट हो या ना, ठीक है। अब नेक्स्ट नेक्स्ट फिर इसी एग्जाम्पल पे आते हैं। देखो, ए से सी तक आदित्य बाइक आराम से चला रहे थे, और सी के बाद में बाइक निखिल चलाने लगे, और निखिल बहुत हाई स्पीड से चला रहे हैं बाइक, किसी इंस्टेंट पे डी पे पहुंच गए, ठीक है। किसी इंस्टेंट पे डी पे पहुंचे, मान लो कि डी पे जब पहुंचे हैं उस समय टाइम है 10:45:00, ठीक है, पीएम में 10:45:00 PM, ठीक है। इस समय आदित्य निखिल से पूछें कि बाइक का स्पीड कितना है, 10:45:00 पे आदित्य निखिल से पूछें कि बाइक का स्पीड कितना है, ठीक है। और निखिल 10:45:00.00001 पे बता दिए स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। वंस अगेन, आदित्य निखिल से बाइक का स्पीड पूछ रहे हैं टाइम 10:45:00 पे, और निखिल आदित्य को स्पीड बता रहे हैं 10:45:00.00001 पे, और वो स्पीड बताएं कि 100 किलोमीटर पर आवर है। स्पीड बताने में निखिल कितना टाइम लिए हैं, तो 0.00000001 विच इज लिटरली जीरो बट नॉट जीरो, विच इज लिटरली जीरो बट नॉट जीरो, ठीक है। तो यहाँ एक चीज ध्यान दो, हम क्या बोल रहे हैं कि अगर टाइम बहुत स्मॉल हो जाए, अगर टाइम बहुत स्मॉल हो जाए, तो स्मॉल के लिए हम लोग मैथमेटिकली कुछ ऐसा लिखते हैं। जैसे टाइम अगर बहुत स्मॉल हो जाए तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो। लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो का मतलब ये हुआ कि टाइम बहुत स्मॉल है, बहुत स्मॉल है लेकिन जीरो नहीं, मतलब ऑलमोस्ट जीरो है लेकिन जीरो नहीं। लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो का मतलब ये हुआ कि टाइम बहुत स्मॉल है, ऑलमोस्ट जीरो है बट जीरो नहीं, ठीक है। तो अगर टाइम बहुत स्मॉल हो जाए तो उसमें कुछ डिस्टेंस ट्रैवल होगा, और टाइम तो लग ही रहा है डेल्टा टी, ठीक है। अगर ऐसा हो जाए तो इसी चीज़ को हम लोग लिखते हैं ds/dt, इसी चीज़ को हम लोग क्या लिखते हैं, ds/dt, ठीक है। तो यहाँ देखो, अगर टाइम बहुत स्मॉल हो गया तो स्मॉल टाइम में कुछ डिस्टेंस कवर हुआ डेल्टा एस, ठीक है। और ds/dt होता है एवरेज स्पीड, लेकिन ये एवरेज स्पीड कितना टाइम के लिए है, बहुत स्मॉल टाइम के लिए है। बहुत स्मॉल टाइम के लिए मतलब बोलने का मतलब ये हुआ कि एक पर्टिकुलर टाइम के लिए है, ये एक पर्टिकुलर टाइम के लिए है, ये दो टाइम के लिए नहीं है बल्कि एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, ठीक है। और किसी पर्टिकुलर टाइम पे जो स्पीड हो उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड, किसी पर्टिकुलर टाइम पे जो स्पीड है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड। और स्पीड का मतलब होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड, स्पीड का मतलब क्या होता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। तो अगर टाइम बहुत स्मॉल हो जाए तो डेल्टा एस बाई डेल्टा टी को हम लोग लिखेंगे ds/dt। सिमिलरली अगर ऐसा हो जाए कहीं दूसरी जगह पे, कुछ इस तरह से मिल जाए, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स सच दैट
डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो हो जाए तो इस चीज़ को हम लोग लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, ऐसे भी एरर याद होगा तुम्हें, एरर में हम लोग डेल्टा वाई को डी वाई लिख देते थे, डेल्टा एक्स को डी एक्स लिख देते थे। क्यों? क्योंकि डेल्टा वाई डेल्टा एक्स बहुत स्मॉल होता था। डेल्टा वाई डेल्टा एक्स क्या होता था? बहुत स्मॉल होता था। ठीक है, तो अगर कोई क्वांटिटी स्मॉल हो जाए तो उस समय हम डेल्टा को डी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डेल्टा एस डेल्टा टी स्मॉल है, तो अगर डेल्टा एस डेल्टा टी स्मॉल हो जाए तो इसको लिख सकते हैं डी एस अपॉन डी टी। ठीक है, देखिए अगर डेल्टा टी स्मॉल हो गया तो इसका मतलब ये हुआ कि बहुत कम टाइम इंटरवल पे हम एवरेज स्पीड बता रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम जो एग्जाम्पल लिए थे वो टाइम इंटरवल था 10:45:0 से 10:45:0.00001। ठीक है, तो ये टाइम इंटरवल कितना था? 0.00001 सेकेंड, विच इज लिटरली इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो हम इफेक्टिवली ये बोल सकते हैं कि आदित्य 10:45 में स्पीड पूछे और निखिल 10:45 पे ही स्पीड बता दिए, तो उस समय जो स्पीड बताएं वो कौन सा स्पीड है? एवरेज स्पीड है या इंस्टेंटेनियस स्पीड है? तो आंसर विल बी इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए ऑब्वियसली टाइम बहुत स्मॉल होना चाहिए, और अगर टाइम बहुत स्मॉल हो गया तो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी को हम लोग क्या लिख देंगे? डी एस अपॉन डी टी। इंस्टेंटेनियस स्पीड को हम लोग वी से डिनोट करते हैं, और ऑब्वियसली वी इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी। वी इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी, मतलब टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज नोन एज इंस्टेंटेनियस स्पीड, एंड स्पीड मीन्स इंस्टेंटेनियस स्पीड। अगर तुमसे पूछा जाए 11th में कि कैलकुलेट स्पीड, इट मीन्स यू हैव टू कैलकुलेट इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, एवरेज स्पीड के लिए अलग से बोला रहेगा कि कैलकुलेट एवरेज स्पीड। तो अनलेस और अदरवाइज स्टेटेड, स्पीड मीन्स इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक, नेक्स्ट एक और तरह का स्पीड हो सकते हैं, वो स्पीड होता है यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब ये होता है कि स्पीड एट ईच इंस्टेंट ऑफ टाइम रिमेन्स सेम। ठीक है, अगर स्पीड किसी भी इंस्टेंट पे एक ही रहे तब इस तरह के स्पीड को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म स्पीड, या कॉन्स्टेंट स्पीड भी बोल सकते हो। ठीक है, तो मान लो कि हम अपने जगह से धनबाद जा रहे हैं और एवरी टाइम बाइक का स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर रखे हैं, एवरी टाइम एट ईच इंस्टेंट ऑफ टाइम 40 किलोमीटर पर आवर रखे हैं, तो जो मेरा स्पीड है इस स्पीड को हम लोग क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म स्पीड बोलेंगे। ऑब्वियसली अगर स्पीड यूनिफॉर्म हो जाए तो किसी भी टाइम का स्पीड वही होगा, और अगर एवरेज स्पीड पूछा जाए तो वो भी वही होगा क्योंकि स्पीड तो यूनिफॉर्म है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म स्पीड में एवरेज स्पीड इंस्टेंटेनियस स्पीड एक ही होगा, डिफरेंट नहीं होगा। तो अगर स्पीड एट ईच इंस्टेंट ऑफ टाइम इक्वल हो जाए तो इस तरह की स्पीड को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड, और यूनिफॉर्म स्पीड को हम वी से ही डिनोट करेंगे। दिस इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम एज वेल एज दिस इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी, दोनों अप्लीकेबल होगा क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड है। यूनिफॉर्म स्पीड है तो एवरेज स्पीड भी वही होगा और इंस्टेंटेनियस स्पीड भी वही होगा। ठीक है, तो जनरली इसमें डिस्टेंस बाय टाइम ही यूज करते हैं। डी एस बाई डी टी तभी यूज करेंगे जब एस एज ए फंक्शन ऑफ टी दिया रहे। ठीक है, अदरवाइज डिस्टेंस बाई टाइम ही यूज करेंगे। देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ए पार्टिकल डिपेंड्स ऑन टाइम एज एस इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस वन, वेयर एस इज इन मीटर्स एंड टी इज इन सेकेंड्स, तो फाइंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट टी इक्वल टू वन सेकेंड। ठीक है, तो तुम्हें स्पीड बताना है किस समय टी इक्वल टू वन सेकेंड पे। ठीक है, तो स्पीड मीन्स इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, तो अगर स्पीड हमें बताना है तो स्पीड के लिए फॉर्मूला होता है डी एस अपॉन डी टी, तो डी एस अपॉन डी टी कर लो। और तुम्हें डेरिवेटिव करने आता है, टी स्क्वायर प्लस वन का डेरिवेटिव क्या होगा बताओ अनिमा? टू टी। ठीक है, तो वी इक्वल टू मिलेगा टू टी। तो ये जो वी मिला ये टी के टर्म में मिला। ठीक है, मतलब डिफरेंट टी पे डिफरेंट स्पीड होगा। जैसे अगर मान लो टी का वैल्यू जीरो हो जाए तब उस समय स्पीड होगा टू इंटू जीरो,
अगर टी का वैल्यू 2 हो जाए तो उस समय स्पीड होगा 2 इंटू 2, ठीक है। तो हमें बताना है कि स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट टी इक्वल टू 1 सेकेंड पे, ठीक है। तो एट टी इक्वल टू 1 सेकेंड, एट टी इक्वल टू 1 सेकेंड स्पीड क्या होगा, तो इसमें टी की जगह पे 1 पुट कर लो, मतलब कि 2 इंटू 1, तो 2 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है कि एस मीटर में है और टी सेकेंड में है, तो अगर एस और टी मीटर और सेकेंड में है, मतलब एसआई यूनिट में है, तो स्पीड पक्का एसआई यूनिट में ही होगा, और स्पीड का एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है।